अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यास्मीन। आज मैं फालूदा बनाने जा रही हूँ। चलिए फालूदा बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। देखिए, मैंने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिया है। इसमें पिस्ता, बादाम और काजू है, उसे चॉप कर लिया है। यहाँ पे शक्कर ली है, ये 4 टेबल स्पून है। देखिए, मैंने रो अफ़ज़ा लिया है। रो अफ़ज़ा से मैं फालूदा बनाऊंगी। अगर आपके पास रोज़ सिरप है तो वो डालिए, या फिर कोई भी रेड कलर का सिरप डालिए फालूदा बनाने के लिए। देखिए, मेरे पास अलग अलग फ्लेवर के 4 फ्लेवर के आइसक्रीम है। आपके पास एक फ्लेवर होगा तो भी चलेगा। इन 4 फ्लेवर्स का यूज़ करूँगी फालूदे में। यहाँ थोड़ी सी चेरी लिया है और थोड़े चेरी को चॉप भी कर लिया है। अगर आपके पास हो तो डालिए, या फिर आपके पास कोई भी फ्रूट्स हैं तो वो डालिए। आम, स्ट्रॉबेरी, सेब, ये जो नॉर्मल से सेवैयाँ आती हैं जैसमिन, वो सेवैयाँ लेके बना रही हूँ मैं। उपमा खीर बनाने के लिए मिलती है वो वाली। यहाँ सब्जा सीड्स लिया है, सब्जे के बीज 2 छोटी चम्मच है। इसे बाबर के बीज भी कहते हैं, पर्ल भी कहते हैं इसे। जब ये भीगते हैं पर्ल जैसे लगते हैं। सबसे पहले इन सब्जों के सीड्स को धो लेंगे। ये छन्नी लीजिए, उसमें सीड्स डालेंगे, डाल के पानी डाल के धोएंगे। इसके ऊपर पानी डालेंगे, डाल के अच्छे से धो लीजिए 1-2 पानी से, जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। देखिए, और 1 पानी से धो लेंगे। धुल चुके हैं ये, अब इसे भीगने के लिए रखेंगे। अब इसी कटोरी में डालेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। कम से कम 1/2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे इसे ऐसे ही। देखिए, सब्जा भीग चुका है, मैं 1/2 घंटे से भिगाया है इसे। देखिए, पर्ल जैसे दिख रहे हैं इसके सब्जे के सीड्स। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। देखिए, दूध को मैंने गैस पे उबाल आने के लिए रखा है। ऐसे चम्मच घुमाते हुए इसे उबाल लेंगे। देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पे पका लेंगे। इसे 5 मिनट से दूध उबल रहा है। अब इसके अंदर शक्कर डाल देंगे, जो हमने 4 टेबल स्पून दी थी वो, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तकरीबन 2 टीस्पून भर के, और 1 शक्कर पिघलने तक इसे पका लेंगे। शक्कर पिघल चुकी है और 1-2 मिनट मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अब गैस को बंद कर लेंगे। इसे पहले रूम टेम्परेचर पर लाएंगे दूध को, उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। जितनी हमने सेवैयाँ ली है उसका 1/4 गुना पानी डाल के पका लेंगे। ये गैस पे पानी रखा है, अब इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए, पानी में बॉईल आ रहा है। अब इसके अंदर ये सेवैयाँ डाल देंगे। जब तक उकना हो जाए तब तक पका लेंगे। हल्की सी नरम हो जानी चाहिए सेवई। देखिए, सेवई पक चुकी है। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसके अंदर का पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए, पानी को स्ट्रेन कर लिया है। अब इसके अंदर आइस डाल देंगे और इसे सेवैयों को ठंडा होने के लिए देंगे। ग्लास में रोज सिरप डाल देंगे या फिर रो अफ़ज़ा डालिए। 1 चम्मच सेवैयाँ डाल देंगे, 1-1 टेबल स्पून सब्ज़ा डाल देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स जो चॉप करके रखा था, बादाम, काजू और पिस्ता, वो डाल देंगे 1-1 टीस्पून। दूध को जो हमने पका के रखा था उसे, वो ठंडा हो चुका है, अब वो डाल देंगे। इसमें आइसक्रीम डाल देंगे। देखिए, मैंने इसमें 4 फ्लेवर्स लिए हैं। फिर इसके ऊपर थोड़े से सेवैयाँ डाल देंगे, सब्जा और रो अफ़ज़ा, और दूध डालेंगे और 1 स्कूप आइसक्रीम डालेंगे। ऊपर सिरप डालेंगे, बादाम, काजू, पिस्ता डालेंगे और इसके ऊपर चेरी डाल देंगे। आप भी इस तरह से फालूदा बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।